हरिओम नमस्कार। हम लोग अभी सायण गांव में है। सायण गांव बहुत प्राचीन गांव है। ये रबारियों का गांव है। रबारी यानी कि मालधारी, यहाँ की लैंग्वेज में मालधारी कहते हैं, और वो होते हैं पशुपालक और कृष्ण भक्त होते हैं। ये कृष्ण परंपरा को, गाय की परंपरा को आगे बढ़ाने वाली कम्युनिटी है। प्री हरप्पन स्टेज का ये इलाका है। ये प्राग ऐतिहासिक काल का ये इलाका है। जो हरप्पन सिविलाइजेशन है, वो हरप्पन सिविलाइजेशन की जो आप देखते हैं परंपरा, ये थोड़ी देर पहले आपने जो रास देखा, जो यहाँ का फोक डांस देखा, ये यहाँ की महिलाएं, यहाँ की लड़कियाँ ये करती है। क्यों करती है? ये उस कृष्ण की भक्ति करती है। अभी जो गीत जो गाया, वो भी गाय का और कृष्ण का, तुलसी का, मतलब हमारी परम्परा का गीत था। ये संपूर्ण प्रजाति है जो गौपालक है, और उनकी जो क्षमता है, वो उनका भोलापन, उनका ड्रेस, उनका डांस, वो सब कृष्णमय है, सब गौमय है। ये दुनिया भर के लोग यहाँ सीखने आते हैं। ये 5000 साल पुरानी परंपरा, इनका जो एक पूर्वज था जिसका नाम था रायका, जिसको आप जानते हैं महाभारत का एक बड़ा पात्र है, वो रायका की जो वफादारी उस राज परिवार के प्रति, उस उत्तरा के प्रति, उनका बेसिक जो वैसल है वो तो कैमल है, ऊँट है, और उनके जो घर का पशुपालन है, खास करके कैमल को भी पालते थे, लेकिन गाय को और कैमल को पालते थे, और भेड़ बकरियां भी इनके साथ रहती थी। हजारों लीटर दूध, वो दूध घी ऊन का व्यापार करते थे। उनके गाय की जो बाकी चीज़ें बनती थी, खास करके घी, वो यहाँ से एक्सपोर्ट होता था। ये उनकी परम्परा रही। कालक्रम में थोड़ा विक्षेप आया, मालधारी प्रजा बहुत दुखी हुई, क्योंकि यहाँ बहुत अकाल आया, सिंधु यहाँ से चली गई, तो यहाँ पानी कम, बारिश कम, और उसकी वजह से जो पशुपालन है, गाय को रखना मुश्किल हो गया। बाद में फिर वाइट रिवॉल्यूशन, सफ़ेद क्रांति आई, तो भैंस आ गई, तो आज उनका जीवन थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। फिर से ये हमारी आरोग्य मित्र, जो हमारी ट्रेन कार्यकर्ता है, वो बहने कोशिश करती है कि गौमूत्र से, गौ के गोबर से, पंचगव्य से कुछ आर्टिकल्स बनाएं, और अपनी एक हैंडीक्राफ्ट भी बहुत बड़ा, ये कॉस्ट्यूम जो उन्होंने पहने हैं, और उससे भी जो बड़ी महिलाएँ जो थी जिसने अभी रास गाया, तो वो कॉस्ट्यूम खुद बनाते हैं, अपने कपड़े खुद बनाते हैं, और उनकी जो हैंडीक्राफ्ट है उसको रबारी भरत बोलते हैं, बहुत विश्व फेमस है। आप जब भी आओ तब इस गाँव की मुलाकात लीजिए। ये हमारी प्यारी बहनें, महिला, ये कृष्णमय है, पूरा गांव कृष्णमय है। ये यहाँ से आपको संदेश दे रहे हैं कि कृष्ण है वो विश्व की शांति के लिए है, गाय है वो विश्व की समृद्धि के लिए है। मैं आपका बहुत अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद।